अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं साइमन नदीम अपने YouTube चैनल के साथ, और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हॉरिबल सा एक टॉपिक लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप लोग खुदा के लिए सीख लें, कुछ सीख लें। अब ये मेरे पास एक क्लाइंट आई है, इस बच्ची को किसी सैलॉन वाली ने ये सिल्वर कलर करने की कोशिश की, और आप खुद देख सकते हैं कि इधर सिल्वर तो कुछ भी नहीं है, और एक अच्छी खासी इस बच्ची के सर की तबाही फेर दी गई है। यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, मुझे ये बताएं कि रूट्स के अंदर कौन करता है ब्लीच, भाई मुझे बताएं ना ज़रा। और वो मैंने तो इन्हें कहा है कि वो उस जो जिन ब्यूटिशियन ने आपके साथ ये किया है उनको मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक दे दें। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है इस चैनल के ऊपर, और बताया जाता है कि खुदारा अपने बालों, अपनी स्किन और अपने किसी भी चीज़ के साथ कोई खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देखें कि इतनी ज़्यादा तबाही मचाई है कहीं से। अगर अब उन्होंने पैचेस कितने डाले हुए हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा 9 to 10 लेवल का वो आया हुआ है, यहाँ से 8 का लेवल आया हुआ है, यहाँ से ये 7 का लेवल आया, यहाँ से 9 का लेवल आया। मींस कि ये क्या किया है जी, ये देखें। तो अब हम इन बालों को रिपेयर करेंगे और आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया और किस तरीके से रिपेयर किया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क है, और सारे मुश्किल टास्क जो है ना साइमन नदीम के पास ही आते हैं। तो देखते हैं अब हम करते क्या है। ओके जी, तो देखें हमने कितना खूबसूरत इन बालों को कर दिया, और ये कैसे किया है ये आप इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आपने फुल देखना है, एंड तक देखना है, और मुझे बताना है कि वीडियो कैसी लगी। तो ये तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर था इनके हेयर के साथ जो किसी ने कर दिया। ये आप देखें कि जब मैं इसको काम करना शुरू किया तो बालों की कंडीशन क्या थी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले लेते हैं ब्रीमोड का 7.1। हमने यहाँ पर लिया ब्रीमोड का 7.1, दूसरे बाउल में भी हम दो बाउल्स तैयार करेंगे। अच्छा, हर बार ही आप लोग मुझसे एक ही बात कहते हैं कि मैं आप लोगों को क्वांटिटी सही बताऊं तो और ब्रांड दिखाऊं। तो देखिए यहाँ पर 7.1 और ब्रीमोड का और कलर प्रो का 3.0 यूज़ किया जा रहा है। 25 ml मैंने दोनों बाउल्स में निकाल लिया है, और अब एक बाउल के अंदर मैं यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर 10 to 15 ml यहाँ पर मैंने 3.0 इसके अंदर मिक्स करूँगी। ठीक है, तो मेरी तो अपनी जो है एक मेजरमेंट की जो एक माशाल्लाह मुझे तो अपना पता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर स्केल पे 15 ml इधर आप इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने दो बाउल यूज़ किए, तो जिसमें मैंने 3.0 प्लस 7.1 हमने डाला है उसमें हम 10 वॉल्यूम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आप लोग अगर मेरी क्लासेस ले रहे हैं हेयर की, तो आप लोगों को पता होगा कि हेयर की क्लासेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कि मैंने आपको कलर्स डिवेलपर्स का बताया है कि 10 वॉल्यूम क्या करते हैं और 20 क्या करते हैं। तो यहाँ पर जो इसके अंदर 7.1 है उधर मैंने 20 वॉल यूज़ किया है। मिक्सिंग रेशो ये है कि जब आपने मिक्सिंग रेशो कुछ इस तरीके से 25 ml हमने लिया 7.1, 15 ml 3.0, और हमने यहाँ पर लिया है 10 वॉल्यूम जो ले लिया है 25 और 15 बन जाता है आपका, कितना बन गया 30-40। तो हमने यहाँ पर तो हमने 50 ml ही यहाँ पर हमने लेना है 10 वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि एक तरीके से 40 और 50 का हमने रखना है इधर कॉम्बिनेशन, और जो हमारा हमने 7.1 बनाया था उसमें हमने 20 वॉल यूज़ किया, उस 20 वॉल के अंदर हमने यूज़ करना है 1:2 की रेशो, यानी कि एक हिस्सा क्रीम और दो हिस्से हमने डिवेलपर। अब जब कलर लगाने की बारी आई तो ट्रस्ट में मेरा दिमाग जो है चकरा गया था, कि मैं सोची थी कहाँ से कलर लिफ्ट करूँ और कहाँ से डिपोज करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर आखिरकार हमने जो 3.0 जिसके अंदर 7.1 के अंदर शामिल किया था वो फ्रंट से एप्लीकेशन मैंने शुरू की। मैंने गोल्डन बालों को थोड़ा सा 7 के लेवल पे लेके जाना था, ताकि वो ज़रा मैट और एश दोनों हो जाएं। और शेरिल जो कि मेरे साथ मेरी हेयर आर्टिस्ट है, उसको मैंने कहा कि तुम जो है वहाँ पर जो ब्लैक बाल उन्होंने छोड़े हैं उसको लिफ्टर यूज़ किया जाए। ठीक है, तो हमने उस बालों पे लिफ्टिंग कलर लगाया, और दोनों एप्लीकेशंस हमने एक साथ की थी, और ये देखें कि कितना मुश्किल हो रहा था। मतलब कि मुझे ये कोई बता दे कि रूट्स के अंदर कौन काम करता है, रूट्स को कौन बनाता है, ब्लीच कौन लगाता है। तो आप इसको ब्लीच जब भी करना है तो आपने रूट्स में बिल्कुल भी नहीं करना भाई, और इस तरह तो ब्लीच बिल्कुल भी नहीं करना। और मैंने तो इस बच्ची को कहा था कि ये जिन्होंने भी किया है तुम्हारे बालों में उनको आप मेरे चैनल का लिंक दे दें,
वो मेरा चैनल देख लें, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, उनके चैनल का लिंक्स भी दे दें भाई। आप लोग चैनल्स पे आप तो इतनी खुल्लम खुल्ला सिखाया जाता है काम, तो आप सीख लेना और सीख कर आप किसी के बालों में काम करें, और खुदारा इस तरह का काम करने से परहेज़ करें। अच्छा, मैंने क्या किया कि इनके बालों में से दो हमने पीछे से एक बड़ा सा चंक लिया था ब्लू का, और फ्रंट से मैंने एक मरजंडा चंक जो है वो भी अलग से निकाल लिया था, ताकि हम थोड़ा से इसके बालों में वैरायटी और है ना एक अच्छा सा वो लुक दे सकें, ताकि इनके बालों को जो है ना एक खूबसूरत सी लुक आ जाए। और ट्रस्ट मी, अगर ये क्लाइंट मैं किसी रेफरेंस से मेरे पास आई थी तो शायद मैं ना भी लेती, क्योंकि ऐसे क्लाइंट्स लेने में, फिर ये बेचारी बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान थी, कह रही थी कि मेरे बाल में, और वाकई में ऐसे बालों में आप ख़ुद भी सोच लें पर्सनली आप किसी के पास क्या जा सकते हैं। साथ में हमने इनको होम केयर भी बताया कि आपने क्या क्या यूज़ करना है, और यहाँ पर वीडियो की जो स्पीड है वो इसलिए तेज़ है ताकि वीडियो देखने वाले बोर ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा लेंथी वीडियो से आप लोग बोर हो जाते हैं। अब रूट्स में हमने जहाँ जहाँ ब्लैक बाल थे वहाँ वहाँ लिफ्टर लगाया, और जहाँ जहाँ गोल्डन बाल थे वहाँ पर डिपोजिंग कलर लगाया। आप देख रहे हैं, आप लोग बार बार बेशक देख लीजिएगा वीडियो रिवाइज करके, रिमाइंड करके, कि हम यहाँ पर किस किस तरीके से एप्लीकेशन कर रहे हैं। सारी एप्लीकेशन करने के बाद 25 मिनट हमने यहाँ पर बालों को छोड़ना है, और 25 मिनट के बाद हमारे बालों का रिज़ल्ट कुछ इस तरह था। तो यहाँ पर मैंने 3.0 मज़ीद लिया, और ब्लू शैम्पू लिया, और 10 वॉल्यूम लिया, और इस रेसिपी को मिक्स कर लिया है। और इस रेसिपी को मिक्स करके ये रेसिपी मैंने सिर्फ और सिर्फ वहाँ वहाँ लगानी है जहाँ पर कट डाउन था। अच्छा, अब ये सोच रहे होंगे आप लोग मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं अंडर टोन कलर दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ये कलर नहीं दूंगी तो थोड़ी देर बाद यानी कि 2-3 वॉशेस के बाद इसके बाल फिर गोल्डन गोल्डन हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम इधर ब्लू और 3.0 दोनों का अंडर कलर टोन डिपोज कर रहे हैं। और ये इतना ख़राब इनका नीचे से बाल हुआ हुआ था ना, इतना ख़राब कि मुझे एजिस थोड़े से कट भी करने पड़े। मैंने आगे चल के कटिंग और ब्लो ड्राई की है, वो भी आप देखिएगा। और ये जो ब्लू और मरजंडा आपको चंक्स दिख रहे हैं, ये हमने वही जो कि आपको मैंने पहले भी कैराटोन्स के कलर दिखाए थे। अगर आप लोगों को देखना है कि ये कलर मैंने कैसे किया है, तो पिछली वीडियोज़ में हमने यहाँ किया हुआ है ये पूरे चंक्स, तो आप वो देख लीजिएगा। ये कैराटोन्स के कलर बहुत 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 ज़बरदस्त हैं। तो ये आपने लगा लेना है अच्छी तरीके से। इसको लगाने के बाद हमने बालों में 10 मिनट दिए थे, और 10 मिनट के बाद हमने जो है बालों को अच्छी तरह रेंज कराया था, बालों को अच्छी तरह वॉश करना है, और वॉश किया था हमने यहाँ पर इसके बालों को ब्रीमोट के शैम्पू से, और जो मैंने कंडीशनर लगाया था वो कलर प्रो का लगाया था। मैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ जिसमें मैं ईजी रहती हूँ, जो चीज़ें मुझे ईजी लगती हैं मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर हम कंडीशनिंग कर रहे हैं इनके बालों के अंदर, बहुत अच्छी सी हमने करके इसको वॉश किया, और वॉश करने के बाद हम इनको करेंगे ब्लो ड्राई, और ब्लो ड्राई के बाद जो रिज़ल्ट होगा वो आपको दिखाया जाएगा। साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं तो सिर्फ चैनल को उन्होंने ही सब्सक्राइब करना है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें ज़रूरत नहीं होती बार बार सब्सक्राइब करने की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और अगर ऐसा कोई डिज़ास्टर आप लोगों के साथ हुआ है, और अगर आप हेयर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 0300-55-60-380 पे। और लाजमी आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को ये प्रोसेस, ये काम कैसे लगा, तो इजाज़त दीजिएगा मुझे, और ज़रूर मुझे बताना है आपने कि ये वीडियो कैसी लगी। और ब्लो ड्राई की टेक्निक आप देख लें, यहाँ पर हम वॉल्यूम ब्लो ड्राई इनको कर रहे हैं, और वो किस तरह कर रहे हैं वो भी देख लीजिएगा। इसकी पूरी पूरी मैं वीडियो आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। अब आप लोग मेरे चैनल को गौर से देखें तो आप लोग आधे से ज़्यादा क्या फुल ब्यूटिशन खुद ही घर बैठे बन जाएँ। मुझे खुशी होती है जब मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि भाई हमने आपके वीडियो से बहुत सीखा। तो ये थी जनाब मेरी तरफ़ से इनकी फ़ाइनल लुक, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं अच्छी सी और बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।